Good morning, friends, and once again we come to you this Sunday morning for our Sunday service. I hope you're being blessed. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this wonderful opportunity. We come before your throne of grace. We thank you, God, for giving us the privilege to come before your throne of grace and to worship and glorify you. We give you honor and glory, God. And we pray, mighty Father God, that you be with us always. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you.
आज के मनन के लिए मैंने चुना है आपके लिए मार्कुस की इंजील उसका चौथा अध्याय 35 से 41, द गॉस्पल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 35-41। इसमें लिखा है कि यीशु एक झील में जा रहे थे, एक नाव में जा रहे थे नाव पे, और एक आंधी आ गई, एक तूफान आ गया, और चेले घबरा गए क्योंकि यीशु मसीह एक कोने में सो रहे थे। तो जब उनको लगा कि उनकी नाव बचेगी नहीं, वे मर जाएंगे, तो उन्होंने यीशु मसीह को जगा के कहा कि आप सो रहे और हम मर जाएंगे। बड़ा अच्छा शब्द है कि वो कहते हैं कि हम मर जाएंगे। यीशु ने उन लहरों को देख के कहा कि तुम शांत हो जाओ, और वो शांत हो गए, लेकिन अपने चेलों से उनसे कहा कि तुम इतने क्यों घबरा गए। देखिए, हमारी जिंदगी के अंदर समस्याएं तो निरंतर आती रहेंगी, लेकिन हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, जो हमारी प्रतिक्रिया है वह बताती है कि हम एक्चुअली में है क्या। देखिए, हमारी जिंदगी के अंदर हमेशा हम दो ही प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं, एक है भय से और दूसरा है विश्वास से। बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, एवरीबडी नोज इट, इट्स नॉट समथिंग न्यू, लेकिन विश्वास से बोलेंगे कैसे जब विश्वास हमारे साथ है नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो, ये राई का दाना या बीज मसीहत के अंदर यानी कि क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक एक दाना जो है वो पृथ्वी में नहीं चला जाता, मर नहीं जाता, फिर उससे आगे नहीं उठते। यू सी द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ ओनली कम्स व्हेन देयर इज सोइंग। जब तक हम उस बीज को अपने पास रखेंगे वो बीज उगेगा नहीं, इट हैज टू बी सोन। हमारी जिंदगी के अंदर भी हमने सब कुछ कर रखा है, वी हैव क्रिएटेड अ फिजिकल सिस्टम, अ फिजिकल इकोसिस्टम। घर में कार होनी चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, एसी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, यू नो दीज आर बिकम नेसेसिटीज, आजकल कहते हैं ये आवश्यकता है, मोबाइल्स आवश्यकता है। व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल इकोसिस्टम? क्या हमारी जिंदगी के अंदर एक आत्मिक इकोसिस्टम है जो जब हमें परेशानियों में हम आते हैं तो हम हमारा प्रतिक्रिया कैसे है? यू नो सबसे ज्यादा भयभीत मैं कब होता हूं? जब मैं लोगों से बात करता हूं, आई फील अफ्रेड, क्योंकि जैसे मैं उनसे बात करता हूं दे ब्रिंग ऑल नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव बातें करते हैं। इकोनॉमी खत्म हो गई, वायरस खा जाएगा, ये हो जाएगा, ये लोग फैला देंगे, ये लोग ये कर देंगे, इट्स ऑल अबाउट नेगेटिविटी। क्यों? क्योंकि विश्वास तो है ही नहीं, भय है। इट डजंट कम, इट डजंट कम, इट डजंट कम, है ना। विश्वास ऐसे नहीं आ जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तब हमारे अंदर विश्वास आता है। यू सी वी कैन चेक, परमेश्वर का वचन जो है वो मती नामक सुसमाचार उसके 7वें अध्याय उसके 15 से लेके 20 में लिखा हुआ है कि एक पेड़ जो है वो अपने, है ना, फल से पहचाना जाता है। आज आप पेड़ को छोड़ दीजिएगा, आप दूसरे लोगों को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अपने आप देखिए कि आपके मुंह से क्या निकलता है। जैसे आप अपने पड़ोसी से मिलते हैं, जैसे आप किसी और से मिलते हैं, आपको मतलब क्या करते हैं, इकोनॉमी गिर गई, आपका इकोसिस्टम क्या है। लोग मेरे पे नाराज हो जाते हैं, मैं कभी कभी, क्योंकि मैं कहता हूं आप जाइए यहां से। आलोचना करने के लिए इतनी जल्दी खुश हो जाते हैं, कह रहे इसके पास इतना पैसा है वो क्यों नहीं देता। भाई आप दो ना, वो अपना व्यवहार करेगा, हम अपना करेंगे। ट्राई टू प्रोवाइड जॉय टू दिस अर्थ। आज जो समस्या है वो समस्या है, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स टू दिस प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम विल गो, समस्या जाएगी, कब जाएगी? जब परमेश्वर चाहेगा। हालेलुया, व्हेन गॉड वांट्स इट, इट विल गो, एंड व्हेन वी गिव द राइट रिस्पॉन्स।
God is always looking for our response. परमेश्वर हमेशा ये देखता है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या है. कभी कभी ना इतना भय से हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई नया व्यक्ति आता है ना, एक गेस्ट जो आता है, बाहर से कोई व्यक्ति आता है, हम उसके फूल सजाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन जो घर के लोग हैं सोचते हैं कि तो पाखंड है, क्योंकि हमारे घर में इतने फूल नहीं होते, हमारे घर में इतनी मालाएं नहीं होती कि जब कोई आए तो एकदम माला. अच्छा, उसको ही पता चलता है कि दिस इज ऑल अ टेका. स्पिरिचुअल एटमोस्फियर के अंदर, यानी कि आत्मिक वातावरण के बाहरी रूप से डेकोरेशन नहीं कर सकते. कि जैसे ही समस्या आए आपने तपस्या शुरू कर दी, प्रार्थना शुरू कर दिया, गीत गाना शुरू कर दिया, सब के सब पवित्र हो गए, ऐसा नहीं होता है. हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. लेट्स क्रिएट एन इकोसिस्टम, ऐसा गार्डन जो हमेशा हमारी जिंदगी में भरा रहे. और जब हम यह इकोसिस्टम बना देते हैं ना पृथ्वी पर, आज हम कहते हैं पृथ्वी जो है अपनी इकोसिस्टम को वापस लेके आए. यह फिजिकल इकोसिस्टम है, स्पिरिचुअल इकोसिस्टम का क्या हाल है? आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपके घर में जो आत्मिक वातावरण कैसा है? क्या आप खुश हैं जब लोग आपसे बात करते हैं? आपका रिस्पॉन्स कैसा? सी, इकोसिस्टम इज द सेम. कोई भी आपसे बात करे, आपका रिस्पॉन्स क्या है? ना कोई आपसे कहे कोई अच्छी बात है, बड़े अच्छे लगे, तो क्या हो गया? दैट्स अ रॉन्ग रिस्पॉन्स. वो कहां से आया? वो आपके बीजों से आया है. कभी कभी हम लोग जब बच्चे थे तो घूमने जाया करते थे, उस बाग बगीचे बहुत थे, तो कोई ना कोई किसी अच्छे से फल को ले आता था, कहता ये देखो ये नया फल, लेकिन मुंह में डाला तो कड़वा और थूकना पड़ता था, कभी कभी उल्टी भी आ जाती थी. द रीजन इज इट लुक्स गुड बट इट इज नॉट गुड. हम भी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, आत्मिक जिंदगी के अंदर ऐसे कामों को चुन लेते हैं जो दिखते तो अच्छे हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पाते, वो हमें रख नहीं पाते. जब हमारे पास मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं, तब हमारा स्पिरिचुअल इकोसिस्टम हमें सही नहीं कर पाता है. और फिर हम इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, चलो वहां से ले आए, उस बात से ले आए, उस व्यक्ति से ले लें, इस व्यक्ति से ले लें. आज फिर परमेश्वर का आह्वान है, मेरे को लगता है परमेश्वर ये आह्वान कर रहा है कि हम अपने इकोसिस्टम को ठीक करें. जिस प्रकार से यीशु मसीह ने उस आंधी को थाम दी, लेकिन उसने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आज एक बार फिर परमेश्वर हम सबसे पूछता है कि हमारा विश्वास कहां पर है. इस इकोसिस्टम को अगर हम ठीक कर दें, ना ही मेरे लिए लेकिन हम सब के लिए, हम सब मिलकर के इस आत्मिक इकोसिस्टम को ठीक करें, जिसके अंदर हमारे अंदर छल कपट कम हो जाए, हमारे अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति कम हो जाए, हमारे अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां कम हो जाए, द इकोसिस्टम विल बिकम एंड दैट इज हाउ. और इस प्रकार से ईश्वर हमें आशीष देगा. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं. पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे शब्द के लिए, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे साथ निरंतर बना रहता है. पिता परमेश्वर, तू हमें बहुत सारी चीजों को सिखाता है और तू हमें सुरक्षा प्रदान करता है. हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर सारी पृथ्वी को तू नष्ट कर सकता है पिता, लेकिन फिर भी पिता तू हम पे दया करता है. गरीब मोहताज के लिए पिता परमेश्वर, जिन लोगों के पास कुछ नहीं है पिता परमेश्वर, जो लोग तुझ पर निर्भर है पिता परमेश्वर, तू उन्हें सहायता प्रदान कर, क्योंकि परमेश्वर सारे प्रश्नों का जवाब तू है पिता परमेश्वर, और सारी समस्याओं का हल सिर्फ तू है. यीशु नासरी के नाम से मांग